नमस्कार दोस्तों, सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए एक बिल्कुल नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक मोटर्स को समझेंगे। जैसा कि हम एक ऑलरेडी सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक समझाया हुआ है 3D एनिमेशन के थ्रू। इस सीरीज़ में हम हर एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल मोटर की वर्किंग को समझेंगे। वैसे तो बहुत सारे टाइप की इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर कुछ ही मोटर्स के नाम सुने होंगे। जैसे एसी मोटर्स में इंडक्शन मोटर्स या सिंक्रोनस मोटर्स का नाम सुना होगा और डीसी मोटर्स का नाम सुना होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मोटर होती हैं, तो हम एक एक मोटर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डीसी मोटर से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि डीसी मोटर में भी हम जानते हैं तीन प्रकार होते हैं, जैसे डीसी शंट, डीसी सीरीज और डीसी कंपाउंड। तो आज हम पहला टाइप देखते हैं डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर को सीधे सीधे कहा जाए तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के पैरेलल में लगी होती है, यानी शंट में लगी होती है, इसलिए इसे शंट मोटर कहते हैं। चलिए अब इसकी डिटेल में जाते हैं। हम हर एक मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझेंगे और भी इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जैसा कि हर मोटर में होता है एक स्टेशनरी पार्ट जो कि स्टेटर होता है, और एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो कि रोटर होता है। और डीसी मोटर्स जितनी भी प्रकार की होती हैं उन सभी में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में होती है। तो यहाँ पर डीसी शंट मोटर के स्टेटर को दर्शाया गया है। अब इसमें जो बड़े वाले पोल्स हैं या मेन पोल्स कहलाते हैं, मेन फील्ड पोल्स, और जो छोटे वाले पोल्स हैं या इंटर पोल्स कहलाते हैं। तो यह चार पोल की मोटर है, क्योंकि यह जो बड़े वाले पोल्स हैं या चार हैं, 1, 2, 3, 4, और इनके बीच वाले रीजन में यानी इंटरपोलर रीजन में जो पोल्स हैं या इंटरपोल्स हैं। अब रोटर की बात करते हैं या आर्मेचर की, तो इसके जो आउटर पेरिफेरी में स्लॉट्स होते हैं इनमें आर्मेचर के कंडक्टर्स होते हैं, और इन सारे कंडक्टर्स को कनेक्ट करके बनाई जाती है वाइंडिंग। और यह वाइंडिंग जुड़ी होती है शाफ्ट के ऊपर लगे हुए कम्यूटेटर से। इस कम्यूटेटर में कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं जिन्हें कम्यूटेटर सेगमेंट्स बोलते हैं। यह कम्यूटेटर सेगमेंट इन वाइंडिंग के सिरों से जुड़े होते हैं जिनसे इनमें इलेक्ट्रिकल करंट को पहुंचाया जा सके। यह कम्यूटेटर रिंग शाफ्ट से इंसुलेटेड होती है एक इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा, और जो मेटल का शाफ्ट है या इस कोर से स्लिप ना हो इसके लिए इसमें एक की लगी होती है। चलिए अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो जैसा कि फील्ड पोल का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाना, और ये जो मेन फील्ड पोल होते हैं यह हमेशा अल्टरनेटिंग पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, यानी यह नॉर्थ पोल बनाएगा तो नेक्स्ट वाला साउथ पोल बनाएगा, फिर अगेन नॉर्थ, फिर अगेन साउथ। तो यह हमेशा अल्टरनेटिंग पैटर्न में पोल्स को बनाते हैं। तो यह मैग्नेटिक पोल्स बनाएंगे कैसे, क्योंकि इनके ऊपर वाइंडिंग होती है, और इस वाइंडिंग में जब हम डायरेक्ट करंट फ्लो कराते हैं तो हमें स्टेडी पोल्स मिलते हैं, यानी फिक्स पोल्स हमको मिलते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर समझते हैं। यहाँ हमने वाइंडिंग को सिंप्लीफाइड कर दिया है, जैसे ये वाइंडिंग चारों पोल्स के ऊपर ऐसे बांधी गई है, चारों ही सीरीज में कनेक्टेड हैं, और जब करंट यहाँ से इंटर कर रहा है तो इस वाले पोल शू में करंट किस प्रकार से रोटेट कर रहा है ध्यान दीजिए, पीछे जा रहा है और पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। और अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, पीछे जा रहा है और पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, तो थंब हमें बता देगा कि नॉर्थ पोल कहाँ बन रहा है। तो नॉर्थ पोल इस तरफ बन रहा है और इस तरफ साउथ पोल होगा। इसी प्रकार यही करंट जब कंटिन्यू करके इस वाले पोल शू के अक्रॉस घूम रहा है तो यह आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, यानी आगे से पीछे की तरफ जा रहा है तो ऊपर यानी नॉर्थ पोल बन रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है अपोजिट साइड क्या बनेगा, साउथ पोल। तो यहाँ बन गया साउथ पोल। इसी प्रकार से वही करंट कंटिन्यू होके पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है तो यहाँ हो गया नॉर्थ, और इसी प्रकार से ये आगे से पीछे की तरफ जा रहा है तो ये हो गया साउथ, और फिर करंट इस टर्मिनल से बाहर आ गया। तो यहाँ पर अब जब हम डीसी सप्लाई देंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे नॉर्थ पोल बना रहेगा, यहाँ साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, तो ये दो टर्मिनल हो गए हमारे फील्ड के। अब जो आर्मेचर होता है यानी बीच में जो रोटर होता है, इसकी वाइंडिंग में करंट को फ्लो कराने के लिए हमें कम्यूटेटर के ऊपर ब्रशेस को लगाना होता है जो कि फिक्स्ड होते हैं, और जो हमारा रोटर पूरा घूमता है इस कम्यूटेटर के साथ। तो याद रखें जितने नंबर ऑफ मेन पोल्स होंगे उतने नंबर ऑफ ब्रशेस होंगे, और ब्रशेस हमेशा इंटरपोलर रीजन में होते हैं, यानी जो मेन पोल के बीच का जो रीजन है वहाँ पर यह ब्रशेस होते हैं। अब यहाँ पर चार ब्रशेस हैं, और जो हम सप्लाई देते हैं वो तो डीसी सप्लाई देंगे दो टर्मिनल की। तो
इनमें से दो ब्रशेस को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी और दो ब्रशेस को नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। कैसे होगा कनेक्शन देख लेते हैं। यह पॉजिटिव सप्लाई इन दोनों ब्रश को दे दी हमने। यह ब्रशेस कार्बन के बने होते हैं, छोटी मोटर में और बड़ी मोटर में यह कार्बन और ग्रेफाइट का मिक्सचर होते हैं। इसी प्रकार से जो नेगेटिव सप्लाई होगी या इन दोनों ब्रश को दे दी जाएगी। अब यह कम्यूटेटर से इन वाइंडिंग का कनेक्शन इस प्रकार से होता है कि जब हम इन्हें डीसी सप्लाई देते हैं तो हमारा रोटर किसी भी पोजीशन में हो, जो कंडक्टर नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में होंगे इनमें करंट का डायरेक्शन एक होगा, और जो कंडक्टर्स साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में होंगे उनमें करंट का डायरेक्शन दूसरा होगा। जैसे यहाँ पर यह कंडक्टर नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है, इनमें करंट का डायरेक्शन डॉट से दर्शाया है। डॉट से मतलब करंट हमारी तरफ आ रहा है। इसी प्रकार से जो भी कंडक्टर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आएंगे इनमें करंट का डायरेक्शन क्रॉस है, मतलब हमसे दूर जा रहा है। अगेन नॉर्थ में हमारी तरफ आ रहा है और जो साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में उसमें हमसे दूर जा रहा है। तो यह रोटर किसी भी पोजिशन में हो, यह कम्यूटेटर और ब्रशेस के अरेंजमेंट से ऐसा होता है कि जो भी कंडक्टर नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में होंगे उनमें करंट का डायरेक्शन एक होगा, और जो भी कंडक्टर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में होंगे उनमें करंट का डायरेक्शन दूसरा होगा। तो जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और हम फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मोटर के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड को हम पॉइंट करें फील्ड के डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर को रखें, और मिडिल फिंगर हमारी पॉइंट कर रही है करंट के डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन किधर है, हमारी तरफ, तो थंब हमें बता देगा कि इन कंडक्टर्स पे जो फोर्स लग रहा है वह ऊपर की तरफ लगेगा। इसी प्रकार से यह कंडक्टर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है तो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और करंट का डायरेक्शन हमसे दूर की तरफ है, तो थंब हमें बता रहा है कि इन सब में जो फोर्स लगेगा वह इस तरफ होगा। इसी प्रकार से इन सारे कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन हमारी तरफ है, फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और फाइनली इन कंडक्टर्स में फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन हमसे दूर की तरफ है, तो फोर्स इस तरफ होगा। तो हम देख सकते हैं कि सारे ही कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है कि रोटर के ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो हमारा रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो हमने देखा दो टर्मिनल हमारे आर्मेचर के लिए हैं, दो टर्मिनल हमारे फील्ड के लिए हैं। अब हमें फील्ड में भी सप्लाई देनी है डीसी सप्लाई, और आर्मेचर में भी डीसी सप्लाई देनी है। अब हम या तो इनको अलग अलग डीसी सोर्स से सप्लाई दे दें, या हम इनको एक ही डीसी सोर्स से सप्लाई दे दें, जैसे कि डीसी सोर्स हमारे पास होती है बैटरी या फिर डीसी जनरेटर। तो जब हम एक ही सोर्स से देना चाहें, और हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दें या पैरेलल में। तो जब हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वह बनती है डीसी शंट मोटर। तो हम देख सकते हैं फील्ड वाइंडिंग को भी हमने वही सप्लाई दी हुई है, और आर्मेचर वाइंडिंग को भी हमने वही सप्लाई दी हुई है, दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में। याद रखिए डीसी शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं और पतले कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने पतले कंडक्टर से दर्शाया हुआ है और बहुत सारे टर्न्स होंगे। अगर हम ओरिजिनल में शंट मोटर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा बहुत सारे पतले टर्न की वाइंडिंग होगी। यहाँ पर हम एक ओरिजिनल रोटर को देख सकते हैं डीसी मोटर के, जिसमें कम्यूटेटर लगा हुआ है। यह कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, यह कम्यूटेटर सेगमेंट शाफ्ट से इंसुलेटेड होते हैं एक इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू, और इन स्लॉट्स के अंदर हमारी वाइंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डीसी शंट मोटर के कंस्ट्रक्शन को भी जल्दी से समझ लिया और उसके वर्किंग को भी जल्दी से समझ लिया। अभी इससे समझने के लिए और भी बातें हैं, जैसे इंटरपोल हमने देखा है, इंटरपोल का क्या वर्क होता है, तो उसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। अगले वीडियो में हम इंटरपोल को भी कवर करेंगे और डीसी शंट मोटर से रिलेटेड और भी जानकारी हम आपको देंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और आशा करते हैं कि यह वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आएगी। और पहला वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा, आपके सजेशंस भी दीजिएगा, ताकि हम इस सीरीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे कहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।